अस्सलाम वालेकुम नासिर, मैं मुशी अहमद अली, आप देख रहे हैं क्राइम टुडे न्यूज़। अस्सलाम वालेकुम जनाब मुजाहिद अजमी साहब, एक अहम मौजू पे जो है हम बात करेंगे इंशाल्लाह। आप खबर का शुक्रिया, आप जो है इस वक्त निकाल के हमारे ऑफिस को पहुँचे हैं। जिस तरह से हमारे मुल्क के और दुनिया के जो हालत हो रहे हैं, जिस तरह से बड़ी अफसोस की बात यह रही कि रोज़े अफ्तर पर जो है वहाँ पर एक गैर मुसलमान पहुँचता है मक्का मुनव्वरा में, पहुँच कर वीडियो बाज़ों का बनाता है और इस तरह से वहाँ पर मंदिरों की तामीर की जा रही है, वहाँ पर कई जो है अज़ाओं पर पाबंदी की जा रही है, अज़ाओं को जो है कम वॉल्यूम पे लगाने की हिदायत दी गई है सऊदी अरब में, और बच्चों को जो है मस्जिद में आने की इजाज़त नहीं दी जा रही है। तो इस तरह के वहाँ पर ये हालत हो रहे हैं। दूसरी तरफ हमारे इस मुल्क में लगातार मस्जिदों को शहीद किया जा रहा है और हर मस्जिद में जो है कोई ना कोई मूर्ति, कोई ना कोई भगवान की बात की जा रही है। और हद तो ये हो गई कि कई मुसलमानों के दुकानों को जलाया जा रहा है, उन पर जुल्म किया जा रहा है, अलग अलग बिला लाए जा रहे हैं, कॉमन सिविल कोड लाया जा रहा है और तिब्बत अल्लाह बिल जैसी पास कर ली गई है। ऐसे कई शहर हमारे शहर में मुदालखत की जा रही है। तो और जो उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर, उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी का यकीदा जो है ऐसे लोगों के ऊपर जो है यकीनी है जो उनका जो मज़हब की बात की है। तो इस तरह से सारी बातें हो रही हैं। तो कहाँ पर हमारे जो मुसलमानों के रहनुमा कहते हैं, हमारे जो मुस्लिम लीडर्स हैं, हमारे मुस्लिम कायदीन हैं, जो चाहे वो दुनिया भर से हो या फिर हमारे मुल्क में हो, किसी की आवाज़ नहीं उठ रही। क्या ये हम मान जाएंगे जो हुकूमत है, ये हुकूमत की गुलामी लोग बनते जा रहे हैं, और आने वाला वक्त कैसा होगा? क्या हम गुलामी में ऐसे लोग ही गुलामी में हमको जीना होगा या आगे चल के रहना होगा? क्या हम एक अल्लाह को छोड़कर जो है ऐसे लोगों की गुलामी करने पर मजबूर हो जाएंगे? तो किस तरह से हमारे मुसलमान कौम, हमारा माशरा और हम जा रहे हैं, तो ये आप ज़रा ये होते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन, इंतहाई अक़ीदे से मुतालिक अहम तरीन सवालात ये हैं। देखिए, मुसलमानों की ज़िम्मेदारी होती है कि वह अपने अक़ीदे के साथ हाकिम सिर्फ अल्लाह की ज़ात, और मुसलमान जहाँ पर ज़रूर ज़मीन पर जो है जो हुकूमत करते हैं तो वो अल्लाह के क़ानून को नाफिस करने के लिए, अल्लाह के बंदों को जो है इंसाफ दिलाने के लिए, ज़मीन पर इंसाफ क़ायम करने के लिए, अमन क़ायम करने के लिए होती है। हर हाल में जो है अल्लाह की किबरियाई पर, अल्लाह की किबरियाई पर एक मोमिन का यकीन होता है। उसी किबरियाई के जो है वो जो हुदूद अल्लाह ने नाफिस किए हैं, उसी उन्हीं हुदूद के दायरे में मुसलमान हुकूमत करता है। ये नहीं कि जो है किसी इंसान की या तागूत की जो है गुलामी को इख्तियार करके हुजूक की बालादस्ती को इख्तियार करता है, ये तो गुलामी हो गई। तो ये जो है आज हम देख रहे हैं कि कुरान से दूर, अल्लाह से अहकाम से दूर, अल्लाह और रसूल की मोहब्बत से दूर, शरीयत से दूर, हुदूदुल्लाह से दूर, सारे मुस्लिम मालिक जो है राह फरार इख्तियार कर रहे हैं और अपने आमाल से ये बात साबित कर रहे हैं कि हम सिर्फ जो है इस्लाम दुश्मन जो भी जो है ताकतें हैं उनके एक मोहरे की हैसियत रखते हैं, ग़ुलाम की हैसियत रखते हैं, खा दुनिया हमको बादशाह कहे या कुछ और कहे। इस हैसियत और एतबार से उनका मकसद ज़िंदगी सिर्फ पैसे कमाना, गुलामी अख्तियार करना अगर है, अपना तहफ़ जब दुश्मनों के जो है घेरे में अगर वो चाहते हैं, तो हम ये देख रहे हैं कि जो है अर्ज़ मुक़दस पर जो है मंदिरें तामीर की जा रही हैं, अर्ज़ मुक़दस पर जो है खलीफा पर जो है मुख्तलिफ जो है भगवानों के जो मूर्तियाँ जो है वो लाइटों के ज़रिए वहाँ पर डाली जा रही हैं, और जो है शराब, गांजा, नाच गाने, अर्ज़ मुक़दस पर जो है वहाँ पर शैतानी डांस, और एक तरफ जो हमारे मुस्लिम भाइयों का कत्ले आम फ़लस्तीन क़िबले अव्वल, अरे वो मुक़ाम अक़दस फ़लस्तीन मस्जिद अक्सा, जहाँ से अल्लाह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है मेराज पर जो है वहाँ तशरीफ़ ले गए थे सफ़र मेराज पर, और जहाँ पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है तमाम अंबिया इकराम की इमामत की थी, वो आज अर्ज़ वो मस्जिद अक़दस आज जो है काफिरों के कब्ज़े में है, और जब रमज़ान आ रहा है वहाँ पर मुसलमानों पर दाखिले पर इम्तना कर दिया गया है और कोई उनको परवाह लिहाज नहीं। रोज़ फ़लस्तीनी मर रहे हैं और जो है उनका कत्ले आम हो रहा है, ऐसे ला ताल्लुक़ होकर रह गए हैं कि जो है हमको मस्जिद अक्सा से कोई ताल्लुक़ नहीं, फ़लस्तीनी मुसलमानों के कत्ले आम से हमारा कोई ताल्लुक़ नहीं है, सिर्फ करारदादों से आपकी कोशिशों से अमन होने वाला नहीं है। एक तरफ जो है सारे जो है इस्लाम दुश्मन अनासिर वहाँ पर जो है जुल्म कर रहे हैं, तहस नहस कर रहे हैं, और जो है मुजाहिदीन जो है अपनी जानों के नजरानों से जो है वहाँ पर उसके अर्ज़ मुक़दस की हिफाज़त कर रहे हैं, लेकिन ये ला ताल्लुक़ होकर रह गए हैं। रही दूसरी बात, हम ये देखते हैं कि आज एक वीडियो जो वायरल हो रहा है वो ये है कि जो है रोज़े अथर पर
इस मुल्क का एक काफिर जो चला जाता है वहाँ जाकर एक वीडियो बनाता है, वहाँ पर वायरल कर देता है, तो फिर जो है जब हुकूमतें जब जो है यानी खादिमीन यहूद व नसारा वल मुशरिकीन जब बन जाती हैं, दुश्मन इस्लाम के हाथों में जब खिलौना बन जाते हैं, आलेकार जब बन जाती हैं, तो जो है किसी हदूद के उनके पास लिहाज रखने का कोई जो है उनको अहमियत नहीं रहती। और यही बात है कि जो है आपकी जो है आप अपने आप को सिक्योरिटी बल बड़ी काफ़ी हमारे बेहतरीन सिक्योरिटी बोलने वाले अपनी जान की हिफाजत के लिए काफिरों को जो है तुम जो है हिफाजत में रखने वाला सलमान उसको तो वो जो है तेरी जो है कहाँ गई तेरी सिक्योरिटी, कैसे रोज़ अथर तक ये काफिर पहुँचा, किस नीयत से पहुँचा, किस मकसद से पहुँचा, तुझे कुछ एहसास भी है? उसको कोई एहसास नहीं है, इसलिए कि जो है वो उसको हम मुसलमान समझना ही बेकार है। तो लिहाजा जो है ऐसे माहौल मुसलमान होश के नाखून लें कि जो है बिलखसूस वहाँ के उलमा इकराम वहाँ के जो है आवाम की मुसलमानों की ज़िम्मेदारी के ऐसी हुकूमत के ख़िलाफ़ बगावत करें कि जो अल्लाह के अहकाम के हदूद को जो है पामाल करता है ऐसी हुकूमत को ख़त्म करने के लिए मैदान अमल में आप अपनी जानों का नजराना पेश करें। एक तरफ कत्ल आम हो रहा है हमारे ये फ़लस्तीन भाइयों का, आप कुछ नहीं देखते, तो ये जो है आप रमज़ान मुबारक में क्या करेंगे खास साहब? जैसा कि आपने कहा कि अज़ा की जो है वैल्यू में कमी की जो बात की गई है, तो जो है इसी अने जब आप काफिरों के हाथों में जब खिलौना जब बन गए, आप जो तहजदा आयत कर रहे हैं, तो अब अर्ज़ मुक़दस होने की वजह से दुश्मनान इस्लाम जो हैं वो ममालिक के लोग इसको मियार बनाते हैं, इसलिए हमको ये कहा जा रहा है कि आप भी अज़ान मत दो, कम आवाज़ में अज़ान दो, यहाँ पर जो है ज़बीहे पर पाबंदी और जो है अब मसाजिद पर जो है गिराने हर मस्जिद पर जो है जो दावा किया जा रहा है, तो फिर जो है ऐसे माहौल में हम तकाबुल अगर करें तो कौन अपने मज़हब के ताल्लुक से जो है ईमानदार है, कौन अपने मज़हब का गलबा चाहता है, कौन उनके अपने भगवानों पर ईमान रखता है, कौन अल्लाह पर ईमान रखता है, कौन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और इस्लाम के अहकाम पर ईमान रख के उसके अमल पर होकर बताता है, ये तकाबुल आपको हमको करने की ज़रूरत है। योगी ने यह कहा कि जो है मोदी की हुकूमत में अकीदे की गारंटी, ये बात उन्होंने कही। किस लिए कही? हमने आपको राम मंदिर दिला दिया, फलाने मंदिर दिला देंगे, ये मंदिर दिला देंगे, इस तरीके से हिंदुओं की बालादस्ती इस मुल्क में हमारी गारंटी है, इस्लाम को ख़त्म करना हमारी गारंटी है, मस्जिदों पे बुलडोजर चलाना हमारी गारंटी है, जो भी जो है अपने हकूक़ के लिए अपने जो है इस मुल्क के दस्तूर हक को हासिल करने के लिए मैदान में आ गया मुसलमान, उनको कत्ल कर देना, उनको जेल भेज देना, उनके जो है जायदादों पर बुलडोजर चला देना हमारी जिम्मेदारी है। इस तरीके से जो है हिंदुओं के जो है अज़्म हौसले को बुलंद करना, हिंदुत्व को बुलंद करना, इस्लाम को नीचा दिखाने की ये जो है ये मुकाबला आ रही चल रही है, हम जो है यहाँ पर निशाना है। और यह बाज़ाब्ता जो है इस सेकुलर जमहूरी मुल्क में जो है बाज़ाब्ता इस्लाम को जो है मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा है, और दूसरी तरफ जो है आप खिलवाड़ कर रहे हैं इस्लाम के जो है उसूलों से, अल्लाह के जो है हुदूद से आप खिलवाड़ कर रहे हैं, तो आप ना जो है अल्लाह के पर ईमान रखने वाले साबित हो रहे हैं, ना जो है कुरान पर जो है ईमान रखने वाले उस पर अमल पैदा होने के लिए आप साबित हो रहे हैं, ना वहाँ के बादशाह हो रहे हैं, ना जो है वहाँ के उलमा हो रहे हैं, ना वहाँ की आवाम हो रही है। तो फिर इस मकसद को हासिल करने के लिए खाली आप दुआओं से मकसद को हासिल कर सकेंगे क्या? अल्लाह की रजा को आप हासिल कर सकेंगे? आप अल्लाह की रजा को हासिल करने के लिए अल्लाह के कानून को अपने जहनों पर, अपने जिस्मों पर, अपने घरों पर, अपने अल्लाह की ज़मीन पर नाफिज करना आपकी हमारी जिम्मेदारी है। इसको तो भूल गए मुसलमान, उलमा भी भूल गए, बादशाह तो जो है गुलाम, उनका इस्लाम से कोई ताल्लुक ही नहीं है, खा वो किसी मुल्क का बादशाह ही क्यों ना हो, और जो है कोई वहाँ का जो है सदर क्यों ना हो, वज़ीर आज़म क्यों ना हो। तो फिर इस हिसाब इस हैसियत एतबार से हम ये देख रहे हैं कि इस मुल्क की जो जमहूरियत ख़त्म होती जा रही है, हिंदू राष्ट्र कायम हो रहा है, और जो जो हिंदू कायदीन इस बात का जो वादा जो कर रहे हैं कि हमको जो है उनकी अपनी अकीदे की जो है बालादस्ती गारंटी हमको दे रहे हैं, लेकिन उनसे सवाल ये है कि आप किस किस्म की गारंटी आप दे सकते हैं, जबकि जो है आपके जो है मज़हब के अकीदे की गारंटी कौन सा अकीदा है आपका? जैसा इस्लाम की जो है अकीदे की बुनियाद अकीदे तौहीद, रिसालत, आखिरत, कुरान, उसी तरह हिंदू मज़हब की जो है जो बुनियाद है वर्ण व्यवस्था, ऊंच नीच की ज़ात पर जो है हिंदू मज़हब का जो बुनियाद है, और 33 करोड़ भगवान मॉडर्न भगवान कहीं आप पास फुल स्टॉप नुकता तो है ही नहीं, जितने भगवान बढ़ाना बढ़ा लीजिए, यहाँ पर हुदूद तो हमारे पास आपस को हुदूद है ही नहीं, कौन से अकीदे की आप गारंटी देंगे? आप कहाँ पर आप रुकेंगे? कहीं रुकना तो आपस है ही नहीं,
सिर्फ इस्लाम दुश्मनी की ऑक्सीजन पर अपने आप को ज़िंदा रखने की कोशिश की जा रही है। मजहबी अकीदे और जज्बात को जो है भड़काया जा रहा है। हम ये देख रहे हैं कि जो है कभी ये यात्रा, वो कभी ये यात्रा, कभी जो है शिवाजी के नाम पर यात्रा में इस रियासत के जो है माहौल को ख़राब करने की कोशिश की जा रही है। तो फिर आपको हमको चौकस और चौकन्ना रहने की ज़रूरत है कि जहाँ जहाँ के जो है अवाम है, वहाँ के अवाम की जिम्मेदारी की उस इलाके को वह बचाएँ। हमारी ज़िम्मेदारी है कि हम रियासत को जो है ऐसी ताकतों के शिकंजे पर जो है कभी आने ना दें, बल्कि इस रियासत को उनसे पाक करके रख दें। ये आपके हमारा जो है जमहूरियत को मानने वालों का और जो सबका इम्तिहान भी है, और हमारा हम खास तौर पर मुसलमानों का ये इम्तिहान ही हमारा ये है कि हम जो है हम इस किस्म की फिस्ताई ताकतों को कभी बरसर इख्तियार आने ना दें, और जो है हम जो है अपने ईमान के तहफ़ के लिए अल्लाह के क़ानून पर अमल पैरा रहें, अपने ज़हन व फ़िक्र पर जो इस क़ानून को गालिब करें, अल्लाह के रज़ा के लिए हर किस्म को जो है क़ुरबानी देने के लिए हम तैयार रहें। रमज़ान मुबारक बिल्कुल करीब है, आमद आमद है, इसलिए मैं आमदुल मुस्लिमीन से इस बात की गुजारिश करता हूँ कि ये कुरान का मायना है, कुरान को पढ़ें समझें, खाली जो है पढ़ें नहीं, पढ़ें समझें कि क्या जो ये किताब हिदायत तमाम इंसानों के लिए क्या है। तो हमारी ज़िम्मेदारी के पहले हम समझें, उसको अपनी ज़िंदगियों में नाफिज़ करें, उसको अल्लाह की ज़मीन पर नाफिज़ कर सकें, तब कहीं जाकर हमको अल्लाह की किबरियाई को मानने वाले हो सकते हैं। वरना ऐसे मोहरे की कोई हैसियत नहीं, रोज़े मशर रुसवा होकर रहेंगे। अगर हमने मुकाबला नहीं किया अल्लाह की रज़ा के लिए, इम्तिहान में कोई जो है मैदान में नहीं कूदे, तो अल्लाह की नाराज़गी मुल्कर तबाह बर्बाद हो जाएंगे। इसलिए अल्लाह हमको जो इससे महफूज रखे, अल्लाह की रज़ा वाली ज़िंदगी और जो है उसके जो कानून नाफिज़ करने की हमको जो हिम्मत अता फरमाए। रब्बी फिर वरहमन ताखिरुर रहमीन।